फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रूल नंबर 3, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे हु और होम के बारे में। ठीक है, हु और होम में डिफरेंस देखने से पहले हम लोग पहले जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्टिव क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, इसको जानने से पहले हम लोग लिखेंगे भार। ठीक है, भार्व से जो पहले आता है उसको हम लोग सब्जेक्टिव बोलते हैं, और भार्व के जो बाद में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, भार्व से जो पहले आया वो सब्जेक्टिव हुआ, जो भार्व के बाद आया वो ऑब्जेक्टिव हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल कि ही मीट हर। ठीक है, यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्टिव है, मीट क्या है, मेरा भार्व है, और हर क्या है, ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि ये मेरा भर्व है, भर्व के जो बाद आया वो ऑब्जेक्टिव हो गया, भर्व से जो पहले आया वो मेरा सब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, इतना समझ गया कि सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, तो कुछ हम लोग सब्जेक्टिव प्रोनाउन देखते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देखते हैं। ठीक है, तो मेरा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ही, सी, इट, दे, यू, आई, बी। ये मेरा क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और क्या है मेरा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, कौन सा होता है, हिम, हर, इट, देम, यू, मी, अस। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ। ये दोनों के बीच में क्या आएगा, ये दोनों के बीच में मेरा क्या होता है, भर्ब होता है। भर्ब से जो पहले आया वो मेरा सब्जेक्टिव हो गया, और भर्ब के जो बाद में आया मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव आ गया। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के दोनों के बीच में क्या होता है, भर्ब होता है। ठीक है, अब देखिए हु जो होता है मेरा वो मेरा सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, हु का यूज हम लोग करते हैं सब्जेक्टिव के लिए, और ऑब्जेक्टिव के लिए किसका यूज करते हैं, हुम का करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि हु जो होता है मेरा सब्जेक्टिव होता है, और हुम मेरा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। सी मीट द पर्सन सेज दैट आई एम गॉड। वो उस इंसान से मिली जो कहता है कि मैं भगवान हूं। ठीक है, इसमें क्या यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे या हुम का करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें ही लगेगा या हिम लगेगा। ही मीट द पर्सन ही सेज दैट आई एम गॉड कि हिम सेज दैट आई एम गॉड, मतलब वो उस इंसान से मिली जो कहता है कि मैं भगवान हूं। इसमें क्या चीज का यूज करेंगे, हम लोग ही का यूज करेंगे, और ही मेरा क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। हम लोग सब्जेक्ट सब्जेक्ट की सब्जेक्टिव के लिए किसका यूज करते हैं, हु का। तो यहाँ क्या हो गया, हु ही मीट द पर्सन हु सेज दैट आई एम गॉड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल सी मीट द पर्सन गॉड लाइक। वो उस इंसान से मिली जिसे भगवान पसंद है। ठीक है, वो उस इंसान से मिली जिसे भगवान पसंद है। इसमें हिम होगा या ही होगा, सब लोग क्या क्या चीज का यूज होगा, हिम का होगा। और हिम क्या है मेरा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो क्या इसका प्रयोग होगा, हु या हुम, तो हुम का होगा। सी मीट द पर्सन हुम गॉड लाइक। ठीक है, नेक्स्ट हु और होम। हु और होम का यूज करते हैं मैन के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, और डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए। जो पालतू एनिमल होते हैं जानवर, उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, हु और होम का। तो सी सा हर आई थिंक इज ए रॉक स्टार, इसमें क्या होगा, किसका यूज होगा, हु का होगा। दीम दे मीट देम दे से वर्क्स वेरी हार्ड, इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, हु होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट ही मीट हिम आई थिंक वाज अरेस्टेड यस्टरडे, इसमें क्या चीज का यूज होगा, हु का, क्योंकि इसमें भी सब्जेक्टिव केस है। सी मीट हिम द पुलिस अरेस्टेड, इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, मतलब क्या होगा, वर्ब के बाद वाला बात कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, हुम का उपयोग होगा। ठीक है, हम लोग हु और हुम समझ गए, आप समझते हैं कि विच का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। ठीक है,
बीच का यूज हम लोग करते हैं एनिमल में जो नॉट डोमेस्टिक हो, हु और हम का यूज करते हैं उसमें जो डोमेस्टिक एनिमल होता है, लेकिन बीच का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पे क्या होता है जो नॉन डोमेस्टिक एनिमल होता है, और नॉन लिविंग थिंग्स में हम लोग किसका यूज करते हैं, बीच का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डैट। डैट जो होता है डैट का यूज हम कहीं भी कर सकते हैं, डैट होता है डैट का क्या होता है, डैट का यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, विच इज यूज फॉर एनिमल्स इन जनरल और थिंग्स। ठीक है, जो नॉन डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किसका यूज करते हैं, विच का करते हैं, लेकिन डैट में क्या होता है, डैट कैन बी यूज फॉर पीपुल एनिमल और थिंग्स, नो रिस्ट्रिक्शन। डैट का यूज आप कहीं भी कर सकते हैं, इसमें इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, डैट को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हु और हम किस में करते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल होता है। ठीक है, अब बीच का यूज कहाँ करते हैं, जो नॉन डोमेस्टिक एनिमल होता है और नॉन लिविंग थिंग्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो पॉइंट्स है नोट, ये हर एक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑल हो, एनी हो, द ओनली हो, द सेम हो, नन हो, मच हो, नो हो, द लिटिल हो, द फ्यू हो, समथिंग हो, एनीथिंग हो, नथिंग हो, एंड सुपरलेटिव डिग्री हो, आर ऑल फॉलोड बाय दैट ओनली। ठीक है, द सेम हो, द लिटिल हो, द फ्यू हो, जितना भी केस है इसमें क्या होता है, हमेशा डैट का यूज करते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट बी फ्लोड बाय हु और बीच, इसमें हम लोग हु और बीच का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप हमेशा ध्यान में रखें कि ऑल आय एनी है, द ओनली हो, द सेम हो, द लिटिल यूज होता है, द फ्यू होता है, इसमें क्या होता है डैट का यूज करते हैं, इसमें हु और बीच का यूज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट सी सा हिम इज ए रॉक स्टार, क्या है सी सा हिम, हिम मेरा क्या है, नाउन या प्रोनाउन है। ठीक है, इसको हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग इसको क्या चीज का यूज किए, हु का किए। ठीक है, इफ देयर इज नो नाउन और प्रोनाउन, मतलब सी सा हिम यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे क्या हो, नाउन नहीं हो, नाउन यहाँ पर नाउन नहीं आया, यहाँ पे क्या चीज का यूज करेंगे, हु वेयर का यूज करेंगे, इज ए रॉक स्टार। ठीक है, और नेक्स्ट रूल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।